टीकमगढ़ में भी निजीकरण का विरोध शुरू हो गया है। विद्युत के क्षेत्र में किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम इस ज्ञापन में निजीकरण को रोकने की मांग की गई है। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए विद्युत संशोधन बिल 2020 का प्रस्ताव बना है, जिसका विद्युत क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विद्युत विभाग के लोगों का कहना है कि भारत सरकार बहुत तेजी से विद्युत विभाग का निजीकरण कर रही है। ऐसा हो जाने से कर्मचारियों के साथ साथ जनता को भी इसका बड़ा नुकसान होगा, जिसके तहत निजी कंपनियां अपने हिसाब से विद्युत की पर यूनिट दाम बढ़ाएंगी और जहां जरूरत होगी वहां ज़्यादा विद्युत देंगी और जहां जरूरी नहीं होगा वहां विद्युत नहीं भी देंगी। अगर ये नहीं रोका जाता है तो भविष्य में विद्युत विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश में इसका तीव्रता के साथ विरोध करेंगे। हमारी इस आप सहित सभी हमारे अधिकारी और अन्य कर्मचारी को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एमपीबी को भी विद्युत कंपनी को भी निजीकरण के हाथों में देने वाला है, उनका ये एप्लीकेशन है कि निजीकरण हो जाने से या निजी हाथों में सौंप देने से एक तो कर्मचारियों को नौकरी समस्या जाएगी, मैं विशेष रूप से शासन विचार करे और उचित निर्णय ले सके। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।